हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं मई 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स से दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। आज के दिन यानी कि इसका मतलब है अप्रैल को यहाँ पे स्टॉक में हमें क्या देखने मिला है फ्राइडे के। तो यहाँ पे 0.09% का यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने मिला है। साथ ही साथ 922.10 पे यहाँ पे क्लोजिंग हमें देखने मिल रही है। बात यहाँ पे हम फिलहाल जो है स्टॉक में आज के लिए लाए हैं मई मंथली का एनालाइज लाए हैं, जहाँ पे हम इस मंथ में स्टॉक में हमें क्या देखने मिल रहा है, किस तरह से परफॉर्मेंस मिलने वाली है इस स्टॉक में, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वहाँ पे आपको किस रेंज में स्टॉक जो क्लोज होते हुए देखने मिलने वाला वो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में हमें क्या देखने मिल रहा है वो भी आपको डेली के चार्ट में यहाँ पे आपको बताएंगे। तो उसको आप जरूर देख लें क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रेशियो आपको बताने वाले और रेंज बताने वाले। तो उस बेसिस पे आप यहाँ पे थोड़ा सा एक एंट्री यहाँ पे पॉइंट क्या रह सकता है, कहाँ तक आपको रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट आपको देखना मिल सकता है, वो चीज़ का आप जरूर जो ध्यान रखें ताकि यहाँ पे आप अच्छी तरह से अपना एवरेजिंग या फिर एंट्री करना है तो एंट्री का पॉइंट यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे इस मंथ में अप्रैल के मंथ में स्टॉक में हमें क्या देखने मिला है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस में अगर देखें एक मंथ का परफॉर्मेंस 16.23% का है, मतलब अच्छा हमें एक 16% का पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिला है इस मंथ में अप्रैल के मंथ में। और टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे बाय का इंडिकेटर यहाँ पे जरूर आ रहा है, लेकिन हम इस इंडिकेटर के ऊपर जो है बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इंडिकेटर हमें कई बार जो है यहाँ पे रॉन्ग जो है एक बता देते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे होता है, लेकिन फंडामेंटल बेसिस भी हमें ज़रूर देखने होते हैं कंपनी के, किस तरह से रिजल्ट है, किस तरह का उनका अर्निंग है, कैश फ्लो है और साथ ही साथ किस तरह का यहाँ पे जो है उनका सेल्स और रेवेन्यू में जो ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है उसके बेसिस पे और साथ ही साथ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से। बाकी अब बात करते हैं यहाँ पे सीधा हम हमारे मंथली के चार्ट पे इस स्टॉक में हमें जो है किस तरह का कैंडल और किस तरह का यहाँ पे जो है देखने मिला है हमारा वॉल्यूम। तो फिलहाल वीकली का यहाँ पे मैंने जो चार्ट महिंद्रा महिंद्रा का ओपन किया, मंथली का मैं यहाँ पे ओपन करके रख देता हूँ। तो मंथली का यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने अब ओपन किया है आप सभी के सामने। वॉल्यूम की बात करो तो एवरेज सा हमें मंथली पे जो है वॉल्यूम देखने मिल रहा है। कैंडल जरूर एक मीडियम साइज की बनी, ऊपर की साइड में हमें विक भी जो है देखने मिल रही है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें देखने मिल रहा है। बाकी अगर मैं बात करूँ आरएसआई की, RSI 62-63 के आसपास जो आ चुका है, जो यहाँ पे हमें ज़रूर एक नेगेटिव मोमेंट का जो मंथली के बेसिस पे जो है यहाँ पे बताता है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं, हमें जो है उसे भी ज़रूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो यहाँ पे आने वाले दिनों के लिए मैं आपको हमारा वन डे का चार्ट में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ किस तरह से परफॉर्मेंस देखने मिला इस फ्राइडे को। तो फ्राइडे का अगर मैं परफॉर्मेंस कहूँ वॉल्यूम के बेसिस पे, तो वॉल्यूम यहाँ पे एवरेज से थोड़ा कम हमें देखने मिला है। कैंडल भी एक छोटी सी बनी है बॉडी और ऊपर और नीचे के साइड में हमें विक भी जो है देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ यहाँ पे RSI की, RSI 68-69 मतलब बहुत ही एज टू एज यहाँ पे जो है हमारे ओवरबॉट एरिया में जो है चल रहा है, जो यहाँ पे हमें ज़रूर एक नेगेटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं, हमें जो है उसे ज़रूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो यहाँ पे मैं बता दूँ आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो हमें थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट जो दे सकता है, कहाँ तक दे सकता है, सबसे पहला यहाँ पे डाउन साइड 900 तक आ सकता है। अगर उसको यहाँ पे क्रॉस करते हुए क्लोजिंग हमें उसके नीचे देखने मिली तो इजीली 20 EMA जो हमारा 880 का यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है वहाँ तक हमें इजीली देखने मिल सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे फिलहाल आने वाले दिनों में आप कॉशियसली काम करें क्योंकि 880 तक मुझे लगता है यहाँ पे ज़रूर हमें एक डाउन साइड जो देखने मिल सकती है। बाकी आपको यहाँ पे आने वाले दिनों के लिए क्या देखने, आपको क्या लगता है, ओपिनियन आपका क्या बनता है वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब फोर स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं कल के दिन स्टॉक में हमें क्या देखने
जो है मिलने वाला है वो तो हम यहाँ पे फिलहाल नहीं बताने वाले, क्योंकि खास करके हम इस स्टॉक का अभी जो है फिलहाल मंथली का एनालाइज लें, तो मंथली का एनालाइज के लिए हम हमारे 1 वीक का चार्ट यहाँ पे वीकली का जो है चार्ट ओपन करेंगे और यहाँ पे देखते हैं किस तरह से हमें किस रेंज में स्टॉक जो है क्लोज हमें होते हुए देखने मिल सकता है इस मंथ में, वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन मैं यहाँ पे मार्क करके रख देता हूँ। तो जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ आप जो है सेम टू सेम अगर आप चाहे तो अपने चार्ट पर भी जो मार्किंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है उसी का यहाँ पे जो मैं मार्किंग करने वाला, ज़्यादा यहाँ पे ऐसा सच कोई मैं मार्किंग जो है नहीं करने वाला हूँ। तो आप भी जो ज़रूर इसको कर ले, कुछ डायरेक्ट सपोर्ट कुछ डायरेक्ट रेजिस्टेंस का ही मार्किंग है। बाकी अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा मार्किंग्स भी है जो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे वीकली के चार्ट पे अगर मैं बात करूँ स्टॉक में, यहाँ पे मंथली का यहाँ पे अगर मैं एनालाइज करूँ, तो मेरा ओपिनियन इस मंथ में मई के मंथ में जो है वो नेगेटिव का बन रहा है। मतलब स्टॉक जो थोड़ा सा यहाँ पे इस मंथ में जो है एक यहाँ पे नीचे के साइड में गिरते हुए देखने मिल सकता है, लेकिन डायरेक्ट रिएक्शन के बहुत ही पास में है। तो यहाँ पे उसको आप ज़रूर देखें 9:30 को, अगर यहाँ पे 9:32 यहाँ पे 9:30 के ऊपर हमें क्लोजिंग जो है डेली के बेसिस पे देखने मिला तो स्टॉक में अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है। वो मैं आपको बता दूँ 52 वीक हाई इसका मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या है इसका। 52 वीक हाई जो है 979 का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 979 52 वीक हाई, 922 पे तो ऑलरेडी चल ही रहा है स्टॉक हमारा। तो यहाँ पे अगर 931 या फिर 935 के ऊपर हमें क्लोजिंग जो है 1 डे के चार्ट में देखने मिले तो यहाँ पे आप ज़रूर जो स्टॉक में एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा मोमेंट, पॉजिटिव मोमेंट। लेकिन करंटली मंथली के बेसिस पे मैं कहूँ थोड़ा सा यहाँ पे जो है हमें मंथली पे जो है एक डाउन साइड, मतलब एक नेगेटिव यहाँ में जो है परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। हम वो चीज़ें एंड ऑफ द मंथ आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे करंटली मंथली मंथली का चार्ट में एनालाइज करूँ तो यहाँ पे वीकली के चार्ट के बेसिस पे मंथली का यहाँ पे मुझे एक डाउन साइड नेगेटिव लग रहा है। 883 तक हमें गिरते हुए स्टॉक ईजिली मुझे लगता है यहाँ पे देखने मिल सकता है, और यहाँ पे इस रेंज में नो ट्रेडिंग एरिया जो हमारा डायरेक्ट सपोर्ट है जो है वो 883 का है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस 930 का है। तो यहाँ पे इस नो ट्रेडिंग एरिया को हम कहते हैं मंथली का, अगर हम आप जो है पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसी रेंज में हमें स्टॉक जो है घूमते हुए देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे इस रेंज में नेगेटिव हमें क्लोजिंग जरूर देखने मिल सकती है मंथली पे मई के फ्राइडे लास्ट फ्राइडे में, या फिर मैं कहूँ तो जो भी लास्ट थर्सडे या फिर लास्ट फ्राइडे है इस मंथ का, वहाँ पे हमें जो है स्टॉक में नेगेटिव एक परफॉर्मेंस देखने मिलने वाली है। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है मंथली का यहाँ पे क्या हो सकता है इस मंथ में, मई के मंथ में हमें क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखने मिलने वाला, आपका क्या ओपिनियन बनता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।